गुड मॉर्निंग बच्चों, आम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। जैसा कि अपनी जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें अपने जो सेनापति पाठ थे, सेनापति के जो क्वेश्चन आंसर थे, उन क्वेश्चन आंसर्स को अपन ने पूरा किया था। जैसे छोटे बात अति लघुरात्मक थे, लघुरात्मक थे और निबंधात्मक बचे हुए थे। अब हम जिसमें अतिरिक्त जो प्रश्न बनते हैं, जैसे अपने पद हैं, उन पदों से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस को हम आज जरूर देखेंगे। तो अतिरिक्त प्रश्न जो है उनको हम आज देखेंगे। पहला प्रश्न जो है वो छोटे प्रश्न है, अति लघुरात्मक, जो हमारे यहाँ एक नंबर के आते हैं। तो पहला जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न देखेंगे, तीन तरबर, तीन तरबर सब ही को रूप हरियो, रूप हरियो है। इस पंक्ति का वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के पक्ष में, यानी इसका ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में भी अर्थ होगा और इसका वर्षा ऋतु के पक्ष में क्या अर्थ होगा, वर्षा ऋतु के पक्ष में क्या अर्थ, क्या अर्थ है, यानी अपन को वर्षा ऋतु के पक्ष में इसका अर्थ बताना है। तो अपन इसका यदि ग्रीष्म ऋतु में देखें तो ग्रीष्म ऋतु में अपन को पूछे तो ये बताना है कि गर्मी के कारण सारे जो वृक्ष हैं वह सब घास है, वो सब सूख चुकी है। ये तो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। और अपन से पूछा है वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि वर्षा ऋतु के आने से घास और वृक्षों का रूप, वृक्षों का रूप हरा हो गया, अर्थात हरे भरे हो जाते हैं, वो हरा हो गया। कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो अरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो सारे हरे हो जाते हैं, ये इसमें बताया गया है। अब दूसरा जो प्रश्न है वो देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, श्लेष अलंकार के आधार पर, यानी श्लेष अलंकार के दो अर्थ निकलते हैं। तो श्लेष अलंकार के, श्लेष अलंकार के आधार पर भादव शब्द, भादव शब्द के दो अर्थ, भादव शब्द के दो अर्थ कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं,
तो भादव के दो अर्थ निकलते हैं, तो भादव के दो अर्थ कौन कौन से हैं ये अपन को यहाँ पर बताना है। तो पहला जो अर्थ निकलता है वो तो कौन सा है, तो भादव के दो अर्थ, भादव के दो अर्थ क्रमश क्रमश वन की अग्नि, वन की अग्नि वन की अग्नि अर्थात जिसको दावानल भी बोलते हैं, वन की अग्नि तथा भादो का महीना, तथा भादो का महीना, ये दो अर्थ इस भादव शब्द का अर्थ निकलता है। अब आगे का जो क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, सावन सावन के महीने, सावन के महीने में सेनापति, सावन के महीने में सेनापति ने आकाश, सेनापति ने आकाश का वर्णन, आकाश का वर्णन किस प्रकार किया है, आकाश का वर्णन किस प्रकार किया है, आकाश का वर्णन किस प्रकार किया है। आंसर देखें कि जब वर्षा ऋतु होती है सावन में तो कैसा वातावरण हो जाता है। कवि ने आकाश में बिजली की चमक, आकाश में बिजली की चमक, बिजली की चमक, इंद्रधनुष की धमक, इंद्र धनुष की धमक, इंद्रधनुष की धमक, काली घटा की रिमझिम, काली घटा की, काली घटा की रिम झिम झिम, काली घटा की रिम झिम, और घोर गर्जन, और घोर गर्जन करने वाले, करने वाले बादलों गौर गर्जन करने वाले बादलों का वर्णन किया है, वर्णन किया है। आगे चौथे नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखेंगे शीत के कारण, अर्थात इसको ठंड भी बोल सकते हैं, ठंड के कारण भी आ सकता है। शीत के कारण
शीत के कारण आग पर तपने वालों की दशा, तपने वाले वालों तपने वालों की क्या दशा हो रही है, क्या दशा हो रही है, क्या दशा हो रही है। तो इसका आंसर उत्तर देखेंगे अपन कि क्या दशा हो रही है। तपने वालों की आंखों से धुएं के कारण पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है और गर्मी पाने के लिए, और गर्मी पाने के लिए वह आग पर वह आग पर झुके जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं, ऐसी उनकी दशा हो रही है। अब अपने जो हैं कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को अपन देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु के वर्णन से कवि ने धरती, आकाश, वृक्ष और वायु आदि का चित्रण किस प्रकार किया है। ये सारे जो हैं वो बीच में से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने बनाया है और उनको आपको मैंने बताया है। ज्यादातर जो है वो हमें पाठ का अर्थ जो है वो ही समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कैसे भी क्वेश्चंस बना सकता है। तो हमें यदि उनका पाठ जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया तो उस पाठ के विषय में हमें जो भी कुछ आता है हमें वहां पर लिख देना चाहिए, क्योंकि वही चीज पूछी जाती है। केवल हमारा अनुभव जो होता है उसका ही परिणाम लिया जाता है कि भाई किस प्रकार से बच्चे को ये चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है। तो आगे जो है वो ये अति लघुरात्मक थे और अब लघुरात्मक बड़े क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो ये बड़ा क्वेश्चन जो है वो एक ही क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु। ये अपने यहाँ पर 4 नंबर का आता है या 2 नंबर का आता है, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के वर्णन, ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में कवि सेनापति, कवि सेनापति ने धरती, आकाश, धरती, आकाश और वृक्ष, वृक्ष वायु, वृक्ष वायु आदि, वृक्ष वायु आदि का जो चित्रण, का जो चित्रण, का जो चित्रण किया है,
किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। आंसर देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु के कारण धरती और आकाश चारों ओर जलते प्रतीत हो रहे हैं, जलते प्रतीत हो रहे हैं। भयंकर गर्मी के कारण घास और वृक्षों की सुंदरता समाप्त हो गई, वृक्षों की सुंदरता समाप्त हो गई। गर्मी के कारण वनों में आग लगने वनों में आग लगने से उजाला सा होता दिख रहा है, उजाला सा होता दिख रहा है। बहुत तेज गर्म हवाएं शरीर को सेक रही है, सूर्य के ताप से बचने के लिए लोग नदियों के किनारे जा रहे हैं, और शीतल
छाए में और शीतल छाए छाया में रहना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। अपना यहाँ पर जो सेनापति का लेसन है वो कंप्लीट हो गया। निबंधात्मक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो हम अपनी नेक्स्ट कक्षा में देख लेंगे, या फिर हम आगे जैसे अपनी कंटिन्यू क्लास चलेगी तो हम उसमें कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।